हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों आज मैं बहुत जल्दी में हूँ और मैं कुछ अर्जेंट काम में फंसा हुआ हूँ, तो मैं आज क्विक आपको शॉर्ट अपडेट दे देता हूँ। एंड जब भी ऐसा कुछ रिक्वायर्ड होगी तो मैं टेलीग्राम में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए सीधा चलता हूँ मैं चार्ट पे एंड आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है आने वाले कुछ मोमेंटम में बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन एंड बाकी इथेरियम का क्या हाल होने वाला है। दोस्तों उससे पहले मैं ले चलूँ आपको बिटकॉइन के चार्ट पे। मैं सबसे पहले बताता हूँ, कल अगर आपको याद हो मैंने काफी ज्यादा डिटेल में आप लोगों को समझाया था कि जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो ये पैटर्न फॉलो कर सकता है। एंड कहीं ना कहीं आप देखोगे ये पैटर्न जो मैंने कल बनाया था जब ये ऑलमोस्ट इसी जोन में था, आप देख लो उसके बाद से ये पैटर्न इस लेवल को रीच करने की कोशिश कर रहा है। एंड जो मेरा मैंने आपको समझाने के लिए लाइनें ड्रॉ की थी ऑलमोस्ट उसका टॉप पार्ट रीच किया, यहाँ से रेजिस्टेंस मिला है। एंड मैं अगर थोड़ा सा जूम करके आपको समझाऊं तो आप देखोगे मैं आपको एक पैटर्न शो करता हूँ, इसको चार्ट एनालिसिस में हेड एंड शोल्डर कहते हैं। एंड ये जो दो साइड में आपको दिख रहे हैं ये एग्जैक्ट तो पैटर्न नहीं है, बट हाँ 70% ये पैटर्न बिल्कुल हेड एंड शोल्डर की तरह, हेड एंड शोल्डर की तरह लग रहा है। एंड इसका मतलब ये है कि ये इसका हेड है, मतलब इसका टॉप है, एंड दोनों साइड इसके कंधे है। अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो ये पैटर्न चार्ट एनालिसिस में कहता है कि ये डाउन जाएगा। इसका मतलब है बिटकॉइन का डोमिनेंस हमें आने वाले टाइम में, जो मैंने आपको कहा था कि डाउन जा सकता है और इस लेवल को वापस से रिटेस्ट कर सकता है, जो कल मैंने आपको शॉर्ट में यू लाइन करके आपको समझाया था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिला है। दो तीन बार कई घंटे पिछले 24 घंटे में इसने टेस्ट किया लेकिन फेल हुआ है। एंड लोअर हाई बनाता जा रहा है एंड लोअर लो बनाता जा रहा है। तो अगला जो जोन है जिसको टेस्ट करेगा ऑब्वियसली 68.54, जो मैंने कल की वीडियो में आपको डिटेल में बताया था, ये टेस्ट करके ये मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस है कि ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोमेंटम बनाए हमारा डोमिनेंस चार्ट पे, जो कि अच्छे संकेत है ऑल्ट कॉइन के लिए आने वाले दिनों में। तो मैं बताना चाहूंगा अगर ये इस रेंज को 68.47 को फेल करता है तो हमें बहुत तेज मोमेंटम शायद डाउनवर्ड देखने को मिले और टेस्ट करेगा 67.40 को। और अगर ऐसा होता है तो शॉर्ट मोमेंट पे शायद ऑल्ट कॉइन भी डाउन जाते हुए दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑल्ट कॉइन आपको काफी ज्यादा हेल्दी गेन देते हुए दिखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर मैं आने वाले 24 घंटे की बात करूं तो सबसे पहला टारगेट ये होगा 68.51, अगर इसे फेल करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 67.37, और इसके बाद हो सकता है एक जंप ले वापस से, जो कि मैंने इस चार्ट में आपको काफी डिटेल में समझाया था एंड आई डोंट वांट टू रीट्रेट दैट थिंग। अगर आपको डिटेल में समझना है कल का मेरा टीए का वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे ये चार्ट को अगर ब्रेक करने से अनसक्सेसफुल रहता तो वापस से ऊपर की तरफ मोमेंटम हमें दिखेगा, जैसा मैंने यहाँ पे सैंपल के लिए आपको बताया था। तो अभी आने वाले कुछ घंटे मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल को टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद ये डाउनवर्ड बनाएगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा दोस्तों कि अगर शार्प डिक्लाइन हुआ तो ऑब्वियसली बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन थोड़ा बहुत हमें डाउन जाते हुए दिखेंगे, लेकिन जो मोमेंटम बनेगा वो ऑल्टकॉइन के लिए अच्छा होगा। डिटेल में समझना है कल का वीडियो देख लेना दोस्तों। अभी मैं शॉर्ट में आपको अपडेट दे देता हूँ, जो आपका आरएसआई है वो नीचे डाउनवर्ड मोमेंटम मुझे बनाता हुआ दिख रहा है, लोअर लो एंड लोअर लो, एंड कहीं ना कहीं ये भी उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है हेड एंड शोल्डर बिल्कुल परफेक्टली। और जो इसका टारगेट होगा ऑब्वियसली हेड एंड शोल्डर का ये लेवल होगा, और इसे रीटेस्ट करने के बाद क्या ये ऊपर फिर से जाता है टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे ब्रेकडाउन होने वाला है, वो आने वाले वक्त में मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा जब भी होगा। एंड सेकेंडली दोस्तों, अगर इसको भी अगर होल्ड नहीं कर पाता इन केस ऑफ यू नो क्विक अगर डाउन जाता है तो ये वाला जोन ऑब्वियसली होल्ड करेगा 66.70। अब मैं इसका क्विक अपडेट आपको चार्ट पे बताता हूँ बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो जब ये इस लेवल को टेस्ट करेगा ना तो हो सकता है ऑल्टकॉइन में थोड़ी देर के लिए डाउनवर्ड मोमेंटम दिखे, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद पंप होता भी दिखेगा आपको, हो सकता है कई ऑल्टकॉइन ऊपर जाते हुए भी दिखेंगे। लेकिन दोस्तों मेरा दोस्तों अगर मेरी बात याद रखना कि जब तक मैं आपको कंफर्म नहीं करना ट्रेड, मैं कंफर्म नहीं करूं, और अगर मेरी आप मानते हो तो ट्रेड में मत उतरना। ऑल्टकॉइन में हमें जो मोमेंटम मिल सकता है, हो सकता है आपको बेस्ट एंट्री का जोन मिल रहा हो, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में ऑल्टकॉइन में घुसोगे ना तो चांसेस है अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाता है तो ऑल्टकॉइन वापस से डाउन होते हुए दिखेंगे आपको। तो अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो बिल्कुल आप जा सकते हो, बेस्ट एंट्रीज जो जो मैंने ऑल्टकॉइन आप लोगों को सजेस्ट किया आप जाके वीडियो में देखो, उस जोन में मिलता है, आप लोग लॉन्ग एंट्री ले सकते हो। मुझे टेलीग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं एंड फेसबुक पे भी कि सर हम ये पर्टिकुलर ऑल्टकॉइन जा सकते हैं, और उसमें से मैक्सिमम ऑल्टकॉइन जो है उनके ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जाके वीडियो देखो, उसमें टारगेट भी बता रखा है और जो बेस्ट बाइंग जोन होगा वो भी बता रखा है। लेकिन जो भी करना अभी ना लॉन्ग टर्म में या मिड टर्म में करना, मैं शॉर्ट टर्म के लिए अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ अभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जो हमारा जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया, जब एक बार कंफर्म हो जाएगा ना हमारा पैटर्न कि ये ऑल सीजन के स्टार्टिंग का फेज है या नहीं, तो मैं आपको खुद बताऊंगा और मैं खुद आपको शॉर्ट टर्म सिग्नल देना शुरू कर दूंगा। अब चलते हैं क्विकली बिटकॉइन के यूएसडी चार्ट पे। दोस्तों मैंने इस लेवल पे आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट दिया था कि अब ये डाउन जाएगा, एंड देखो आप यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम बना था उसके बाद, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका ये वाला जो लेवल था कंटिन्यूसली टेस्ट किया, एंड जब कल हमने अपडेट यहाँ पे दिया था तो ये ऊपर गेन करना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था 20 EMA रीटेस्ट करेगा एंड उसके बाद 100 EMA कहीं ना कहीं उसको रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये जो लॉन्ग जो आपका चैनल बना हुआ है, ये जो लॉन्ग चैनल बना हुआ है ये भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एंड आप देखोगे अभी 20 EMA इसके नीचे आ गया एंड अभी भी 20 EMA को हम टेस्ट कर रहे हैं, ऑल्दो हम क्विक शार्प डाउन गए थे बट 20 EMA ने अभी हमारा साथ छोड़ा नहीं है दोस्तों। तो हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिटकॉइन की
बात करूं तो शार्प डिक्लाइन नहीं होगा, और अगर शार्प डिक्लाइन नहीं होता है तो ऑल्ट कॉइन में हैवी जो डाउनफॉल होता है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो डोंट वरी अबाउट द ऑल्ट कॉइन। एंड अगर ये शार्प डिक्लाइन होता है तो ऑब्वियसली जो अगला सपोर्ट है वो 30,000 है, 30,000 इज मेजर सपोर्ट। अगर ये ब्रेक डाउन होता है दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है अगला जोन जो टेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में 24,000 की तरफ मोमेंटम दिखाएगा, लेकिन उससे पहले इसको बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन को देखना पड़ेगा जो कि 29,600 पे भी बना हुआ है। अगला रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो लगभग 25,899 या कह सकते हो 26,000 के आसपास बना हुआ है, तो इट्स नॉट क्वाइट इजी कि जो बिटकॉइन है आराम से इजीली ब्रेक डाउन हो जाए। यहां से मोमेंटम ऊपर की तरफ भी मुझे जाता हुआ दिख रहा है, अगर मैं आपका आरएसआई की बात करूं तो हायर लो बनाता जा रहा है, एंड अगर प्राइस भी बात करूं तो हायर हाई और हायर लो बनाता जा रहा है। इस लेवल से अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ मोमेंटम में आपको ये वापस से इस जोन को रिटेस्ट करते दिखेगा 35,000 को, और 100 EMA और ये 20 EMA यहाँ पे सपोर्ट देता है नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वापस से अपवर्ड जाता है यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलेगा। चांसेस है दोस्तों अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस नॉर्मल रहता है तो ऑब्वियसली ऑल्टकॉइन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चांसेस है कि बिटकॉइन हमें शार्प मोमेंटम कुछ आवर्स के लिए दिखा सकता है, तो सो डोंट वरी, क्योंकि ना वो शार्प जो मोमेंटम होगा वो तब होगा जब पर्टिकुलर हाईली जैसे इस जोन को टेस्ट करेगा, तो हो सकता है क्विक आपको वीक दिखे और क्विक ऊपर जाते हुए दिखे, तो डोंट वरी, पैनिक मत कीजिएगा, उन आवर्स में हो सकता है ऑल्टकॉइन आपको डाउन जाता हुआ दिखे। बाकी डिटेल के लिए दोस्तों बाकी टारगेट्स क्या है वो सब एज इट इज है, जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था अगले 24 घंटों में वापस से इसी जोन को टेस्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है बिटकॉइन, और इसी जोन में अगर इसे हाई मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस बन गया, 100 EMA भी नीचे आ रहा है, 20 EMA भी इस जोन पे बना हुआ है, तो इतना इजी नहीं होगा इसके ऊपर जाना, लेकिन लेकिन आपको नजर रखना आरएसआई का, अगर आरएसआई ऊपर की तरफ मोमेंटम बना के रखता है और मैकडी ग्रीन की तरफ आपको दिखता है, और ये चार्ट ना आपको बेसिक बाइनेंस का जो ऐप है उस पर भी मैकडी और आरएसआई दिख जाएगा। मेरे को जिस दिन टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा कि क्विक जो मैं आपको बताता हूँ ना चार्ट देखने के लिए वो आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कैसे देख सकते हो। एंड आज दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं है, एंड अब मैं आपको इथेरियम के बिटकॉइन के चार्ट पे ले जाऊंगा। कल मैंने जब आपको वीडियो में बताया था कि ये वापस से इस जोन में जा सकता है, उसके बाद देखो क्या हुआ, बिटकॉइन के चार्ट पे इथेरियम कंटिन्यूअसली टेस्ट किया इस जोन को, मतलब हमने जो लाइन ड्रॉ किया था लगभग आज से 4 दिन पहले से वो उस लाइन को टेस्ट किया, एंड उसके बाद इसको रीटेस्ट किया 20 EMA को, 100 के ऊपर भी गया लेकिन कहीं ना कहीं फेल हुआ, फिर से वापस से 20 EMA, अभी करंट जोन ये बन रहा है दोस्तों 20 EMA और जो हमारा लाइन है वो दोनों परफेक्टली एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो इट्स क्वाइट नॉट इजी कि हम इसको कह सकते कि नीचे जाएगा। जब भी नीचे जाएगा ना बाय जरूर करना, क्योंकि मोमेंटम बार बार नहीं मिलेगा मार्केट में आपको इथेरियम के साथ एटलीस्ट, तो जो मैंने बाइंग जोन बताया कल के वीडियो में जाके देखो अगर नहीं देखे हो। एंड गाइस इसके अलावा मैं इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे बताता हूँ, बाकी के डिटेल्स ये 1 आवर के सेम है, अगर ये ऊपर की तरफ मोमेंटम लेता तो अगला रेजिस्टेंस जोन हमें 0.32 सतोसी पे यानी बिटकॉइन में देखने को मिलेगा। ओके एंड जहां तक डॉलर की बात करूँ दोस्तों, डॉलर के चार्ट पे आप देखो सेम पैटर्न बनता जा रहा है, और मैं आज थोड़ा सा टाइम कमी के कारण आपको क्विक कोई पैटर्न नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों ये कहीं ना कहीं अपवर्ड मोमेंटम का है, और हमें आने वाले कुछ घंटों में 1154 का जोन वापस से रिटेस्ट करते हुए दिखेगा। जैसे कल जब इस जोन पे था मैंने बताया था यहाँ से बाउंस बैक होगा और यहाँ पे लोगों को एंट्री का मौका मिला था, एंड उसके बाद वापस से 20 EMA टेस्ट करने के लिए गया, एंड यहाँ पे इस जोन को टेस्ट करके वापस से डिनाई हुआ। अगर ये यहाँ पे 20 EMA फेल होता ना, बिकॉज यहाँ पे 100 EMA भी आ रहा है ब्लू लाइन अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये 100 EMA अगर रिजेक्ट होता तो वापस से हमें इस जोन में एंट्री का मौका दे सकता है इथेरियम, दैट इज अप्रॉक्सिमेटली $920, तो आपको 920 या 950 के आसपास मिलता है तो आप एंट्री ले सकते हो लॉन्ग टर्म में, फिर से कहता हूँ ठीक है। एंड गाइज तो ये था शॉर्ट अपडेट, क्विक अपडेट, हैवी जोन जो है अगर इसके ऊपर जाने में सक्सेसफुल होता है, अगेन ये रेजिस्टेंस इतना आसान नहीं होगा, 1296 का जो जोन है वो इतना आसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं ईएमए हमारा नीचे आ गया तो उसको ऊपर आने के लिए वेट करेगा कहीं ना कहीं इथेरियम, क्योंकि आप देखो कई दिनों से 1 आवर के चार्ट पे जब तक ये रेड लाइन जहां जहां जा रहा है ना वहीं वहीं प्राइस का सपोर्ट मिल रहा है, तो अगर इसको ऊपर जाना है तो रेड लाइन को भी ऊपर की तरफ मोमेंटम लेना होगा। फिलहाल अगर मैं आरएसआई की बात करूँ, आरएसआई मुझे ऊपर जाते हुए दिख रहा है शॉर्ट टर्म में, एंड मैकडी मेरे को अभी फिलहाल रेड हुआ था, बट इट्स नॉट यू नो ऐसा कोई साइन नहीं है जिसमें आपको टेंशन लेने वाली बात है। अगर ये रेड जाता भी ना तो आपको ये बस ये वाला जो जोन है 926 का, गेट रेडी गाइस, गेट रेडी, यहाँ पे एंट्री जरूर लेना अपना छोटा पोर्शन, हाँ क्योंकि आने वाले टाइम हो सकता है हमें कुछ दिनों बाद यहाँ पे भी 755 के आसपास भी दिख सकता है, दैट इज कंप्लीटली नॉट 100% श्योर, बट हाँ 60-40 का रेशियो बनता है जो मेरा नॉलेज कहता है कि अभी भी चांसेस है 60% ये रिटेस्ट करे, 40% चांसेस है कि ना रिटेस्ट करे। अगर यहाँ से डिक्लाइन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि ये इसको टेस्ट करने के लिए जाए, भले थोड़ी देर के लिए जाए, भले कुछ मिनट के लिए जाए, लेकिन अगर नहीं डिक्लाइन होता है तो मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ हैवी रेजिस्टेंस जोन होगा, तो 1280 के अराउंड में ना आपको देखने को मिल सकता है, और ये जोन ना हर आवर में चेंज होता है, अगर से 24 घंटे बाद का देखो तो ऑलमोस्ट 1300 हो जाता है। तो दोस्तों बाकी अगर कुछ क्विक अपडेट होगा मैं आप लोगों को ना टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, एंड ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज मैं आप लोगों को आज ना ऑल्ट सीरीज लेके आया, ऑल्दो उसका सूट रेडी था बट मैं कहीं ना कहीं अपलोड नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी, एंड बाकी मैं आप लोगों को कुछ भी होगा तो टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, आई होप यू गाइस डोंट माइंड, एंड जो लोग टेलीग्राम में उनको मैंने रीजन बता दिया था कि मैं कुछ इश्यूज फेस कर रहा हूँ इसकी वजह से मैं आप लोगों को
अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरा मेरे मेरे मन में था कि मैंने यार आज मेरे लिए टफ टाइम है, तो आई हैव टू मेक एन वीडियो क्योंकि मेरा एक कमिटमेंट है। तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोटिस पे एक वीडियो शूट करके अपडेट दिया मार्केट का। आई होप आप लोगों के कुछ डाउट्स होंगे क्लियर होंगे। आई नो बहुत सारी टेलीग्राम में मुझे क्वेश्चंस मिल रहा है, मतलब मैं पर्सनली सबका आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। एंड गाइस जो लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट। तभी हम लोग का कम्युनिटी बड़ा होगा एंड आई नीड दोज हैंड्स क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकता, आप लोगों की हेल्प चाहिए यार। एंड सेकेंडली मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रहे हैं कि सर टीए सीखना। मैं इसके ऊपर ना आपको क्विक अपडेट आज देने वाला था, बट मैं आप लोगों को ना इसके बारे में कल बताऊंगा अगर मेरे पास मतलब टाइम मिलता है एंड आई होपफुल कि कल ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। बट मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज लाने वाला हूँ जल्दी। बाकी मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे बहुत तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं एंड थैंक्स अ लॉट गाइस। कल का वीडियो अपलोड करने के बाद मेरा दिल में था कि कहीं ना कहीं लोगों को शायद बुरा लगेगा क्योंकि मैं अपने दिल की बात बोल दिया आप लोगों को, शायद कुछ लोगों को लगा भी हो। बट जो कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे, जो मेरे लिए रिस्पॉन्स मिल रहा है गाइज, मैं पर्सनली रीड करता हूँ सारे कमेंट्स। एंड जो लोग नए हैं चैनल पे, मैं बताना चाहूंगा कि मैं सारे कमेंट्स का ना ओवरऑल एक Q&A सेशन लेके आता हूँ। तो अगर मैं अभी आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ सो डोंट वरी, मैं आपको Q&A सेशन में कितने भी 1000 क्वेश्चन पूछ लो, चाहे वो 1 घंटे का Q&A बने या 2 घंटे का, मैं लेके आऊंगा आप लोगों के, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करूंगा। एंड पर्सनली मैं जब भी टाइम मिला मैंने आज गो थ्रू किया एंड आई रियली मतलब उसमें कुछ लोगों ने अपनी स्टोरीज लिखी है, कुछ लोगों ने अपनी बातें लिखी हैं जो मुझे काफी टच किया। एंड थैंक्स अ लॉट यार, आप लोगों का अप्रिसिएशन बना रहेगा, आप लोगों की दुआएं रहेगी तो सब कुछ अच्छा होगा। एंड होपफुली फ्यूचर में मैं आप लोगों को ज्यादा क्विक अपडेट दे पाऊँ। फिलहाल अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम में हूँ, बट इट 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 विल नॉट इम्पैक्ट आवर यू नो आवर जो हमारा डेली का कम्युनिकेशन। आई विल ट्राई कि एटलीस्ट एक वीडियो तो जरूर अपलोड करूँ। बट आई एम होपफुल कि आप लोगों ने कल के वीडियोज में कुछ सीखा होगा एंड जिन लोगों ने अप्रिसिएट किया थैंक्स अ लॉट यार। एंड बाकी लोग जो अपने अपने कमेंट्स में बता रहे हो अपनी स्टोरी, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ वीडियो में लाइव, मैं सबके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ वीडियो में। मुझे अच्छा लग रहा है, अगर अभी तक आपने अपना एक्सपीरियंस नहीं लिखा तो जरूर लिखेगा। एंड इतना बड़ा वीडियो जो कल का था मेरा, उसको झेलने के लिए थैंक्स अ लॉट। मुझे उम्मीद नहीं थी बट आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज एंड आई रियली प्राउड ऑफ यू। एंड बाकी मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का क्विक ना अपडेट दूंगा कि कैसे करते हैं शॉर्ट में। हाँ बाकी जो कोर्स वोर्स की बात है उसकी बात मैं कल करता हूँ कि करना है या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, अभी के लिए यार मैं क्विक इसको रैम्प अप करता हूँ एंड क्विकली मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ सो दैट मैं इसको जस्ट अपलोड करूँ शॉर्ट नोटिस पे। एंड आई नीड टू गेट बैक टू समवेयर, तो मैं शायद आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूंगा रात भर अगर ऐसा कुछ होगा, बिकॉज आज रात में मैं जगा हुआ। सो ठीक है गाइज, तो अगर आप लोगों के कोई क्वेरीज हो ना तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं रात भर जगा हूँ। ओके तो थैंक्स अ लॉट एंड मिलते हैं जल्दी यार अगले वीडियो में। आई एम होपफुल कि अगले वीडियो में ऐसा कुछ यू नो ऐसा कुछ मोमेंटम ना बने, कल मार्केट का मोमेंटम खराब था और आज मेरे पर्सनल लाइफ का। तो सो आई विल ट्राई कि मैं टाइम दे पाऊँ अच्छे से। एंड मेरे को बहुत सारी अच्छी चीजें आज बतानी थी आप लोगों को एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी जिस वे से मोमेंटम गेन कर रहा। कल रात में बताऊँ लगभग 12 बजे के अराउंड में 500 सब्सक्राइबर हुए थे एंड अभी करेंटली 750 सब्सक्राइबर हो गए। तो इट सीम्स लाइक कि अगले 2 दिन के अंदर 1000 हो जाएंगे जो मैंने आप लोगों से मांगा था। आप लोग अपना कमिटमेंट पूरा कर रहे हो, इट्स माई टर्न, मैं अपने वादा जरूर पूरा करूंगा। तो गाइज अभी के लिए मैं क्विकली इस वीडियो को, हो सकता है मैं एडिट ना कर पाऊँ क्विकली, जो भी होगा मैं डाल दूंगा सो दैट आप लोग उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल सको। एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर गाइज, ओके बाय, थैंक यू।